ये जो आर्टिकल 35A और 370 हटा दिया गया, इसके बारे में आपका क्या बोल सकते हैं? आज पूरा देश अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा है, क्योंकि हम जब जन्मे भी नहीं थे तब ये कायदा लागू किया गया था, और हमारे पूर्व नेता स्वर्गीय आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको तब विरोध किया था, और उन्होंने एक यात्रा निकाली थी तिरंगा लेकर, और उन्होंने कहा था कि एक देश के अंदर दो विधान दो निशान चल नहीं सकते। फिर बाद में जेल में उनकी मृत्यु हुई, आज भी वो रहस्यमय है कि किस तरह से वो मृत्यु हुई, और तब से ये देश की मांग थी, और आज बड़ी खुशी की बात है, पूरा देश अपने आप को खुश महसूस करता है कि अब एक देश एक निशान एक विधान ये जो निर्णय हुआ है उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं तो खुश हूँ, लेकिन पूरा देश पूरा मीरा भाईंदर शहर मोदी जी को और इस सरकार को ढेर सारी बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। अब हम सही मायने में कह सकते हैं अखंड भारत। तो मैं फिर एक बार हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, हमारी सरकार के सभी मंत्री महोदय को दिल से इस शहरवासियों की ओर से बधाई देता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से 70 साल पहले जो सपना देखा था, 60 साल पहले जो सपना देखा था, वो आज जाके पूरा हुआ है। हकीकत में तो ये सभी चाहते थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने हिम्मत की, चाहे इस विषय की बात हो चाहे 3 तलाक की बात हो, ये सारे निर्णय अगर कोई ले सकता था तो मोदी जी, और मोदी जी ने भी ये हिम्मत इसलिए क्योंकि देश ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, आज तक बहुमत की सरकार नहीं होती इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब जनता को भी पता चला है कि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर चाहे तो क्या क्या कर सकती है, और अगर मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार मोदी जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मीरा भाईंदर महाराज बीजेपी की तरफ से आज किसी तरह का कार्यक्रम किया जाएगा? आज योगा हमें नहीं पता था आज ये बिल सदन में पास होगा, क्योंकि हमने 2 दिन का रेस्टिंग का कैंप लगा, अभी मंत्री महोदय यहाँ से गए हैं तो गर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी तक नियोजित नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये काम जो किया है तो बीजेपी ने किया है, तो देश को अपने और अपने आप में खुशी है, लेकिन बीजेपी को भी अपने आप में खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं को। तो जाहिर सी बात है कि शाम को कुछ ना कुछ इस बारे में उत्साह का कार्यक्रम क्यों नहीं होना। मैं माननीय मोदी जी का, अमित जी का दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया। 72 साल की आज़ादी के बाद जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्षण आज आया है, वो इतिहास आज रचा गया है, इसलिए दिल से सभी को अभिनंदन, और इस साहसपूर्ण कदम के लिए मोदी सरकार और मोदी जी अमित जी को सबसे ज़्यादा अभिनंदन देना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है, कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने विरोध किया है, जिन पार्टियों ने विरोध किया है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, अपने अपनी सबकी कुछ ना कुछ मनोस्थिति होती है, उनका मानना होता है, उनके कुछ जो उनकी सोच होती है कि ये करना गलत है, तो वो उनकी सोच के साथ चले। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और कश्मीर के सभी लोग अब खुल के सांस ले पाएंगे, एक नेशन एक कानून एक झंडा, इस बात की मैं बहुत बहुत यानी मैं कहती हूँ मैं स्वागत करती हूँ। अब जो विरोध करते वो उनकी सोच है, वो विरोध करें। मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृहमंत्री अमित जी शाह, उनको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये फैसला जो ऐतिहासिक फैसला किया है, हम सभी उनको अभिनंदन करते हैं। हमारा पूर्ण मेरा भाईंदर शहर की तरफ से उनको अभिनंदन करते हैं, और वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा इससे, और विकसित होगा, और हमारे जो सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास जो है वो हर तरह फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा। तो ये ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है सरकार ने, सरकार का काफ़ी धन्यवाद। खुशी का वातावरण है, एक उत्सव के तौर पर आज के इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा। काफ़ी वर्षों से एक आम हिंदुस्तानी जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था वो सपना आज मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है, तो बड़ा ही आनंद का वातावरण है। 370 हटने के साथ साथ 2 राज्यों बांटा गया और दोनों केंद्र शासित, लद्दाख जम्मू कश्मीर, और उससे 2 भागों करने से क्या फ़ायदा होगा वहाँ के रहवासियों को? जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है,
और लद्दाख जो था वो एक अलग थलग साइड में पड़ा था, उसका विकास नहीं हो पा रहा था। अब लद्दाख को एक अलग स्टेटस मिलने से वहाँ पे भी प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे उन लोगों के सेंक्शंस जो फंड्स वगैरह है, जो योजना है, तो एक लद्दाख को जो चाहिए उसकी भौगोलिक जो रचना है, उस रचना को देखते हुए वहाँ पे सारी सुविधाएं और सारा डेवलपमेंट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर जो है उसकी एक अलग रचना है, उसकी एक अलग अलग समस्या है और वहाँ पे एक अलग एजेंडा है। तो दोनों ज्योग्राफिकली अलग अलग क्षेत्र है, तो दोनों को अलग अलग करने से निश्चित रूप से वहाँ की जनता को ज़्यादा फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो जब स्थापना हुई थी जनसंघ के समय, तब राष्ट्रीय पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि कश्मीर में जो एक विधान दो एक दो दो निशान दो विधान दो प्रधान, ये जो संकल्पना थी वो भारत देश के लिए वो ठीक नहीं थी। इसके लिए उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और उनका वहाँ पे देहावसान हो गया। वे तो 70 साल से भारत में जो ये कश्मीर के इसमें 335A और 370 जो धारा थी, उससे कश्मीर और भारत ये दोनों अलग अलग लग रहे थे। और ये काम जो कर सकते थे वो सिर्फ मोदी कर सकते थे। 70 साल के बाद इस धारा को हटाया गया और भारत को पूर्ण अखंड भारत, वास्तव में अभी कह सकते हैं अपन कि आज पूरा भारत अखंड हो गया करके। तो ये होने के पश्चात सभी भारत में सभी नागरिक, सभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता क्यों, क्योंकि इस आंदोलन में पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया हुआ है, वो बलिदान आज सार्थक हो गया ऐसा मुझे लगता है। जो धारा 370 और 35A बांटा दिया गया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भारतवासी को, क्योंकि मुझे लगता है आज सभी भारतवासी के दिल की एक बहुत बड़ी अभिलाषा पूरी हुई है और ये बहुत ही बड़ा कदम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ, एक अखंड भारत की शुरुआत है और हर आज भारत देश का नागरिक बहुत खुश होगा, सभी को अभिनंदन। बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे मौके पे मैं जम्मू कश्मीर में ही था। मैं 1 तारीख को कश्मीर पहुँचा श्रीनगर और वहाँ पे 2 तारीख को बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा के दर्शन किए और वहाँ पे भी चप्पे पे अपने CRPF के जवान लगे हुए थे। अब उसमें जो दहशतवादी लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जो देशभक्त है, जो बिजनेसमैन है, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया में जैसे कुछ ऐसा टीवी में दिखा रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, 28,000 जवान, 280 कंपनियां जा रही हैं, तो जो बिजनेसमैन है वो तो इसका स्वागत कर रहे थे। जो दहशतवादी लोग हैं, जो दंगा फसाद फैलाने वाले हैं, वो लोग इसका तो विरोध करेंगे। ये बहुत ही बड़ा कदम है जो इतने सालों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि एक रूठा हुआ बच्चा जो घर से कभी चला गया था वापस अपने घर वापस आ गया है, तो संपूर्ण परिवार आज पूरा हुआ है, जिसके लिए हम सभी भारतवासी मोदी जी को शत शत नमन करते हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये भी कहना चाहूँगी कि आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते और यहाँ की जिला सचिव होने के नाते ये कहना चाहूँगी, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए। अगर इस फैसले से देश की या कश्मीर की जनता का विकास और उनकी भलाई हेतु कार्य किया गया है तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। भाई जिस फैसले से देश की और वहाँ लोकल की पब्लिक को फायदा पहुँचता है तो वो फैसला देश के हित में, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कुछ लोग ये 370 और 35A का विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई विरोध करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए कि वहाँ से क्या प्रॉब्लम पब्लिक को उस चीज़ से होती है, वो उसके बाद आप विरोध करिए या सपोर्ट या विरोध करने के लिए पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ की कि किस चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का आप सपोर्ट कर रहे हैं। भारत देश के लिए और मेरे पद प्रधान मोदी जी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन हुआ और इतनी बड़ी कार्यवाही हुई, जो आज से पहले अंग्रेजों के टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान से बगला हुए थे, अभी धीरे धीरे के जो पहले ओरिजिनल हिंदुस्तान था वही हिंदुस्तान बना रहेगा और राम राज्य बना के रहेगा और अच्छा कार्य हमारे पद प्रधान जी कर रहे आए करेंगे और ऐतिहासिक भारत देश का परिणाम आएगा। जय हिंद जय भारत। 370 का जो ये जो हुआ है आज, ये बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक बहुत ऐतिहासिक दिन है
और जो चीज़ हुई है बहुत अच्छी हुई है और ये मोदी जी ही मुमकिन कर सकते थे।